नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे शुभ कर्तरी योग। ये बड़ा अच्छा योग माना जाता है। किसी के जीवन में अगर ये योग बन जाता है तो किसी भी काम को करे, शुरुआत कहीं से करे, उसके सारे काम शुभ हो जाते हैं। जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है कि शुभ कर्तरी योग बड़ा अच्छा योग माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसके पहले अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। हमारी ये जीवन रेखा है। जीवन रेखा हमारे जीवन के स्तर के बारे में बताती है, हमारे जीवन जीने की कला के बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी ये मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा हमारे मन के विचारों में हम कितनी गहराइयों में जाते हैं उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी हृदय रेखा, हृदय रेखा हम एक दूसरे के साथ कितना प्रेम संबंध है, हम एक दूसरे के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती है। तो आज मैंने बात की है शुभ कर्तरी योग के बारे में। शुभ कर्तरी योग अगर देखें तो हमारे नौ ग्रह में सबसे जो शुभ ग्रह माने जाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति देव हैं, जो इनको शुभ कहा जाता है। अगर सारे ग्रहों में कमी आ जाए लेकिन एक देवगुरु शुभ जो अपने हैं बृहस्पति देव, अगर ये शुभ में पाए जाते हैं तो बाकी ग्रहों को ठीक करने में बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं। अब बाकी ग्रहों को ठीक किया जा सकता है लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति देव अपने स्थिति में मजबूत है तो आपके जो काम करने की चर्या है या कह लो कि काम करने की जो शक्ति है वो प्रबल हो जाती है। आप किसी भी काम को करें, मजबूत स्थिति में बनेगी, शुभ बनेगी और देखने वाले प्रशंसा करेंगे। कहीं ना कहीं किसी काम की शुरुआत आप करते हैं तो जीवन में उस काम की शुरुआत से लेकर देखिए एंड तक आपको सफलता ही सफलता आपके दरवाजे पर मिलती है। और ये योग बनता है कैसे है, ये जो हमारे गुरुदेव बृहस्पति देव हैं इनका जो माउंट है पूर्ण स्थिति में उठा होना चाहिए, ये शुभ माने जाते हैं और ये जीवन को सुखमय बना देते हैं। और ऐसे लोगों को अगर देखें जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं पाई जाती है। कहते हैं जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हो जाए, देवगुरु की कृपा हो जाए, उसके ऊपर आशीर्वाद ही आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और ऐसे लोग जीवन में किसी चीज के मोहताज नहीं होते हैं, जीवन में तरक्कियां मिलती हैं, किसी काम में इनकी बाधाएं नहीं आते हैं। काम आज कैसा भी वक्त इनका बढ़ता जाता है, धन दौलत पैसा मान सम्मान ज्ञान, पुत्र की बात हो, धन की बात हो, ज्ञान की बात हो, तो सब देने वाले हैं एक देवगुरु सिर्फ बृहस्पति देव जी। और इसी के साथ जो शुभ कर्तरी में दूसरा योग बनता है हमारा ये सन का माउंट, ये सन का माउंट भी पूर्ण अवस्था में उठा हो, ये पर्वत भी कहीं इधर उधर ना खिसका हो, अपनी जगह पे स्थिर हो और पर्वतों में ताकत लिए हो, अपने स्थान पे ऊपर उठा हो। और ये जो माउंट है, अगर ये माउंट उठा है तो आपके अंदर जोश की शक्ति है, डिसीजन की शक्ति है, कहीं ना कहीं अपने जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा है आपके पास। और कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान धन शोहरत सारा कुछ मिलता है इस पर्वत से। और कहते हैं कि जिनको सूरज की कृपा हो जाए, भगवान सूरज में इतनी ताकत है, हम ग्रहों के राजा मानते हैं इनको, अगर ऐसे लोगों को देखें तो स्वास्थ्य के मामले में बड़ी अच्छी सेहत होती है, डिसीजन करने की क्षमता होती है, लोगों में एक नेम फेम भी इनको बड़ा अच्छा प्राप्त होता है। कह लो कि ऐसे लोग जीवन में शुभ ही शुभ होता है, किसी भी काम को करें शुरू करते हैं तो अंत तक कर जाते हैं, जीवन में अनेक सफलताएं इनके द्वार चूमती हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो।
फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।